सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। कुछ आप लोग में से काफी सारे लोगों का बहुत मन से कमेंट में क्लास 10th के लिए उस्टवाल एंड एडू कार्ड दोनों का सैंपल पेपर मार्केट में आ चुका है, तो कौन सा बुक हम परचेज करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो कुछ आज के इस वीडियो में दोनों बुक का रिव्यू करेंगे एंड आपको बताएंगे कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होने वाला है आपके 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास दोनों बुक फिलहाल में अवेलेबल है, क्योंकि आपको 2024 के लिए रिलीज कर दिया गया एंड इसका बाइंडिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको लोएस्ट प्राइस में ये बुक देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं एडू कार्ड के बुक के बारे में। तो यार आप लोग बता दें कि एडू कार्ड आप लोग के लिए इस साल आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर्स लेकर आया है आपको एक ही बुक में। मतलब आपको जो ये बुक देखने को मिल रहा है इसमें आपको प्रीवियस 5 ईयर्स का जो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर का सॉल्यूशन का साथ यहाँ पे इस बुक में दे दिया गया है। मतलब इसके लिए स्टूडेंट अलग से PYQ का बुक खरीदते हैं, जो कि आपको इसी बुक में PYQ 5 साल का दिया गया है। प्लस में आपको 16 सेट ऑफ सैंपल पेपर भी इस बुक में दिया गया है, जो कि उस वाल के बुक में बस 10 सेट दिया गया है। एंड आपको बता दें कि आप लोग इसमें 1 पेज नोट्स दिया गया है, कंप्रेंसी लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग सब कुछ डिजाइन किया गया है। एंड उस वाल में आप लोग को बता दें कि बस 10 सेट आपको सैंपल पेपर देखने को मिलता है, 5 ईयर्स का PYQ आपको उस वाल बुक में देखने को नहीं मिलता है। एंड आप लोग को बता दें कि जो आपको एडू कार्ड बुक इसको संजीव सर एंड प्रशांत भैया डायरेक्टली आप लोग को रेफर करते हैं, आप लोग समझ सकते हो ये बुक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आपको इसमें फर्स्ट पेज में जो 5 सैंपल पेपर है वो आपको PYQ है एंड 10 सेट ऑफ सैंपल पेपर जो वो आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। उसके साथ आप लोग इसमें ब्लू प्रिंट देखने को मिलता है एंड उसके साथ साथ आप लोग इसमें टाइम मैनेजमेंट का टिप्स भी दिया गया है, क्योंकि कैसे अपने सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। एंड आपको रिलेटेड टॉपिक्स, सिलेबस, 1 पेज नोट्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ एक ही बुक में दे दिया गया है। मतलब समझ सकते हो कि PYQs प्लस में 1 पेज नोट्स, सैंपल पेपर, बहुत कुछ बस आपको एक ही बुक में एडू कार्ड में देखने को मिलता है। एंड आपको जो इस साल का जो CBSE का सैंपल पेपर है उसको भी सॉल्यूशन के साथ इस बुक में दिया गया है, साथ ही में जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन हुआ है उसका पेपर, उसका सैंपल पेपर सब कुछ सॉल्यूशन के साथ इस बुक में दिया गया है। एंड उसके साथ साथ आप लोग उसमें जो 16 सेट ऑफ सैंपल पेपर दिया गया है वो आपका फुल्ली सॉल्यूशन के साथ दिया गया है एंड सारे आपके कंप्रेहेंसिव बेस्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। एंड उसके साथ साथ आप लोग बता दें कि इसमें जो जितने सारे सैंपल पेपर है वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन के बेस्ड बनाया गया है। एंड लास्ट में आप लोग इसमें सेल्फ एवोल्यूशन चार्ट मिलता है, जिसमें आपको किस तरह से मार्क्स का ब्रेकडाउन होता है सब कुछ वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देख लो डिफरेंट फीचर बनाता है उस्टवाल एंड एडू कार्ड का। मतलब आपको एक ही बुक में PYQ भी मिल रहा है, सैंपल पेपर भी मिल रहा है, जहाँ पे उस्टवाल में आप लोग को बस सैंपल पेपर ही मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एडू कार्ड बुक इस साल होने वाला है। एंड बहुत ही लोएस्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज करो, वहाँ से आप लोग को ये बुक देखने को मिल जाएगा। सो इस फाइनली आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। एंड स्टडी तरफ सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब करके ब्लैक मार्क कर लो एंड अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर जरूर करना एंड डिस्क्रिप्शन में बाइंडिंग का जो परचेज करो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो।